नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही आने लगते हैं मोरिंगा के फूल। मोरिंगा यानी कि जिसको आप सहजन बोलते हैं या गुजराती में जिसको सरगवा बोला जाता है उसके फूल। आज हम बनाएंगे सरगवा के फूल का सूप। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पतीली में 2 लीटर पानी, साथ ही में मैंने लिए है यहाँ पर 250 ग्राम मोरिंगा यानी कि सरगवा के फूल। फूल जो थे वो मैंने पानी में डाल दिए हैं और साथ ही में अब मैंने लिया है आधा कटोरी जितना नमक, और वो नमक जो है वो सारा ही हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर पानी में हम नमक ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये जो फूल होते हैं वो कड़वाहट वाले होते हैं, तो एक आध घंटा हम इनको नमक के पानी में भिगो कर रखेंगे तो इनकी कड़वाहट है जो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो अब हम इसको नमक वाले पानी में 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद जब हम देखेंगे तो फूल जो है वो पानी में काफी कड़वापन जो है छोड़ चुके हैं। अब हम इन फूलों को पानी से बाहर निकाल लेंगे। फूलों को हमने छलनी में निकाल लिया है, अब हम इनको फिर से एक बार साफ पानी से धो लेंगे। मोरिंगे का फूल को अच्छे से धोने के बाद हम लेंगे 2 टमाटर, 1 छोटा सा बंच हरा धनिया और 6-7 कली हरे लहसुन की या फिर सूखे लहसुन की, जो भी आपके पास हो वो। इन सभी चीजों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके कुकर के अंदर डाल देंगे। सभी सामग्री को मैंने रख दिया है कुकर के अंदर और अब हम इसको उबालने की मदद के लिए डालेंगे पूरा 1 गिलास भर के पानी। कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद और इसकी बजने देंगे हम 3 सीटी। 3 सीटी बजने के बाद जब हम कुकर खोल कर देखेंगे तो हमारे सूप की जो सामग्री है वो सारी ही उबल कर अच्छे से रेडी हो चुकी है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार लगभग 1/2 चम्मच जितना नमक, साथ ही में हम डालेंगे 2-3 चुटकी जितना काले मिर्च का पाउडर और अंत में हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। सभी सामग्री को हम हैंड ब्लेंडर या फिर जूसर जार में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सूप हमारा अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्मूथ पेस्ट इसका बन चुका है, लेकिन फिर भी इसमें धनिये के और फूलों के कहीं कोई रेशे जो हैं वो रह जाते हैं, तो इसके लिए अब हम इसको एक छलनी की मदद से सारे सूप को छान लेंगे। सूप जो है हमारा वो हमने छलनी की मदद से छान लिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं काफी वेस्टेज निकला है और उसके बाद जो पानी बच गया है गाढ़ा सा वो हमारे सूप के रूप में बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए परोसते हैं इसको हम एक बर्तन में। मोरिंगा के फूल या फिर सहजन या फिर सरगवा के फूलों का सूप जो है स्वादिष्ट वाला बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, ये सूप बनने के बाद इतना स्वादिष्ट बनता है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज से बना हुआ था। एक अलग सा स्वाद, गुणों से भरपूर, सर्दियों में ही हम सिर्फ इस फूल का आनंद ले सकते हैं। तो क्यों ना इस बार मेरी ये रेसिपी ट्राई की जाए। तो प्लीज ट्राई कीजिए, कैसा बना बताइए कमेंट करके मुझको। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक आपने मुझे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलवेज मेरे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।